आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 194वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञापन और महिलाओं की, विज्ञापन में महिलाओं का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से विज्ञापन में दिखाया जा रहा, दर्शाया जा रहा, उनकी छवि कैसी गढ़ी जा रही है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक समय था जब चंद उत्पादों का विज्ञापन ही संभव हुआ करता था, बहुत थोड़े से विज्ञापन ऐसे उत्पाद थे, प्रोडक्ट्स थे जिनका विज्ञापन हुआ करता था। आज़ादी के पहले से देश में जो भी प्रोडक्ट बनते आए हैं उनका विज्ञापन आरंभ हुआ। 60 के दशक तक विज्ञापन बहुत ही सौम्य हुआ करते थे, किंतु 70 के दशक के उपरांत विज्ञापनों में अश्लीलता, फूहड़ता जमकर देखी जाने लगी। आज बाजारवाद पूरी तरह हावी ही दिख रहा है। बाजारवादी होने के कारण हर वस्तु की नुमाइश भी होने लगी, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस कारण कोई भी वस्तु हो, कोई भी उत्पाद हो, वस्तु आज इस तरह की कोई वस्तु शायद ही रह गई हो, कोई उत्पाद रह गया हो जिसका विज्ञापन आप ना देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ऐसा संभव नहीं। इस पूरे विषय में एक बात बहुत दुखदायी मानी जा सकती है कि विज्ञापनों में महिलाओं का उपयोग, महिलाओं को विज्ञापनों में दिखाना बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता, पर महिलाओं को अर्धनग्न कामुक दिखाकर फूहड़ता को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है उसे आप कहाँ तक उचित मानेंगे, बताएं? क्या महिलाओं का शरीर ही विज्ञापनों का केंद्र रहना उचित है? क्या उत्पादों की बिक्री के लिए महिलाओं का अंग प्रदर्शन करवाना, उत्पादों की बिक्री के लिए सब करना, आम भारतीय क्या इसे उचित मानेगा? आप ही इसका फैसला करें। महिलाओं को विज्ञापनों में बहुत सीमित जगह कर दिया गया है, बताते हैं आपको। महिलाओं को विज्ञापनों में सिर्फ खान पान की वस्तुओं और घरों की साज सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन तक ही सीमित करके रख दिया, बहुत छोटा सा दायरा उनका बना दिया गया, इसे क्या आप उचित मानेंगे? अगर आप कार खरीदने जाएं, कंप्यूटर, मकान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग उपकरण आदि की बात करें तो इनके विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को एक कोने में खड़ा दिखा दिया जाता है, एक कोने में महिलाएं खड़ी आपको दिखा दी जाती है, अर्थात इन विज्ञापनों में महिलाओं की अहमियत कम ही दर्शाई जाती है। महिलाओं को घर की सजावट में स्थान देना और पुरुषों को व्यापार या नौकरी करते हुए दर्शाना, क्या महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की हिमायत करने वाले लोग इसे उचित मानेंगे? अगर नहीं तो उनकी खामोशी का दूसरा कारण क्या है ये बता दें, जो हिमायती हैं इसके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एक और बात हम बताएं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विज्ञापनों सहित हर मामले में अश्लीलता को बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित भी किया गया है। इसके बावजूद विज्ञापनों में अश्लील प्रदर्शन के जरिए इन दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। इसके लिए कामुक शरीर वाली महिलाओं का चयन किया जाता है ताकि दर्शक महिलाओं के अंगों को निहार सकें। क्या यही बराबरी का दर्जा दिलवाने की कवायद है? जाहिर नहीं, फिर ऐसा क्यों? 70 के दशक के विज्ञापन और आज के विज्ञापनों की अगर आप तुलना करें, कंपेरिजन उसमें देखें, तो आप पाएंगे कि आज के युग में अश्लीलता पूरे चरम पर है। इस अश्लीलता को समाज के द्वारा अपना समर्थन या मान्यता कभी नहीं दिया गया है, ये सत्य बात है, 100% सही बात है, पर समाज का मौन समर्थन इस अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, ये बात भी पूरी तरह सही है। एक समय रेडियो और अखबार दो ही विज्ञापन का साधन होते थे, सूचना संप्रेषण का साधन रेडियो और अखबार ही हुआ करते थे। 80 के दशक के उपरांत घरों घर टीवी ने दस्तक दी, उसमें दिखाए जाने वाले सीरियल्स और विज्ञापन अगर आपने देखे होंगे तो उसमें फूहड़ता, विवाहेतर संबंध, मद्यपान, धूम्रपान धड़ल्ले से दिखाया जाता रहा है। और आज का युग जो है, आज के युग में
जब से मोबाइल पर अनेक प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए आए हैं, उनके बाद अश्लीलता को तो मानो पर लग गए। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 500 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स हैं, जिसमें पसरी गंदगी को करोड़ों लोग देखकर अपनी मानसिकता को विकृत बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया है, पर आप जहां चाहे वहां राह की तर्ज पर कुछ ब्राउजर्स के द्वारा वीपीएन सेटिंग के जरिए आप जहां यहां बैठे हुए अपनी उपस्थिति किसी और अन्य देश में दर्शाकर आप वेबसाइट्स को, जो प्रतिबंधित वेबसाइट्स, खोल सकते हैं। देश के हमारी सरकारों के तकनीकी विशेषज्ञ कैसे से वाकिफ नहीं है, अगर हैं तो इस मामले में कुछ करने में भी समय क्यों लगा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और तो और, पुरुष अगर कच्चे बनियान में है उसे सभ्य समाज में दिखाना उचित नहीं माना जा सकता, हमारी आंखों की शर्म आंखों का पर्दा होता है, और उसके साथ स्त्रियों को उसके साथ दिखाया जाना और किसी पुरुष के कच्चे पर किसी स्त्री का मोहित होना, आखिर क्या है ये सब, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं हम और आप? कंपनी के आलंबरदार, विज्ञापन बनाने वाली कंपनी और डिजाइन करने वाले कर्णधार, विज्ञापन में अर्धनग्न स्त्रियों को आप कच्चा पहने कामुक पुरुषों के साथ कामुक मुद्रा में दिखाई देते हैं, ऐसे क्या कहेंगे आप? यह सच है, बिल्कुल सच है कि भारत पुरुष प्रधान देश की श्रेणी में रहा है, आज भी जो मानसिकता वही प्रतीत हो रही है। आज विज्ञापनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर दिखाया जाता है, महिलाओं की छवि घरेलू और घर की साफ सफाई तक ही केंद्रित की जाती है, पुरुष का वर्चस्व बना रहे, इस सोच के साथ ही शायद इन विज्ञापनों को बनाया और दिखाया जाता है, ये सोच एक हो सकती है। महिलाओं के बौद्धिक विकास, उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उनकी सृजनात्मकता को उकेरने वाले विज्ञापन बहुत ही कम आपको दिखाई देते होंगे। हमें सोचना होगा कि इन विज्ञापनों में महिलाओं को दिखाया तो जा रहा है, बहुत अच्छी बातें दिखाया जा रहा है, पर उनकी छवि किस तरह की बनाई जा रही है, उन्हें उनकी छवि किस रूप में प्रदर्शित की जा रही है, इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर जो भी विज्ञापन चल रहे हैं उस सबका महज एक ही उद्देश्य है कि स्त्रियों को कामोत्तेजक हाव भाव, स्त्रियों के कामोत्तेजक हाव भाव, भाव भंगिनाओं का प्रदर्शन कर पुरुषों को आकर्षित करना। आखिर यह सब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने, पैसा कमाने के लिए उचित माना जा सकता है क्या? चाहे रहे नहीं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिर ऐसा करके हम महिलाओं की छवि को गढ़ने के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? किस तरीके की छवि को गढ़ रहे हैं, मार्ग किस तरीके के प्रशस्त कर रहे हैं? अगर कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा करती है तो विज्ञापन बनाने वाले पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, और इसमें जो विज्ञापनों में काम करते हैं जो हीरो हीरोइंस एक्टर्स या अन्य जो भी काम करते हैं वे भी पैसे की खातिर ऐसा करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि उनका जमीर मर चुका है। वरना देवी के रूप में पूजी जाने वाली स्त्री का यह स्वरूप वे कभी बनाने का जतन बिल्कुल नहीं करते जो ये कर रहे हैं। पर सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि देश के नीति निर्धारक, देश की सबसे बड़ी पंचायत के पंच, देश की बड़ी सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है संसद, और वहां का पंच और सांसद, उन पंचायत में बैठने वाले पंचों अर्थात सांसदों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता? आखिर वे इस तरीके की अश्लीलता को परोसकर महिलाओं की गलत छवि गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है। गलती उनकी भी हो सकती है, गलती इनकी भी हो सकती है, पर जिसे चौकीदारी करना है वे मौन क्यों हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन की हर रात 8:30 प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर रोज लिमटी की लालटेन देख सकते हैं।
आपको अगर ये लालटेन पसंद आ रही हो, साथ ही अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 194वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 195वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।